हमें ऐसे थ्री और पांच नंबर में डिवाइड करके उनको क्या करना है, सम बनाना है। सम मीन्स हम उनको क्या उनके अलग अलग फैक्टर बना के उनको ऐड करना है। हमें और वो नंबर क्या होना चाहिए, और प्राइम नंबर होना चाहिए, वो नंबर ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए, पार्ट ए है 21 नंबर दिया है, हमें पता है सबसे छोटा और नंबर क्या होता है, थ्री होता है। तो मैंने थ्री ले लिया, थ्री को माइनस करेंगे 21 में, 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 18। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर आया 18, ये तो ऑड भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, टू नंबर में डिवाइड करेंगे। इसको टू नंबर में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें थ्री और प्राइम नंबर बताना है। तो यहाँ पे हम इस नंबर को क्या टू नंबर में डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड और नंबर क्या होता है, फाइव होता है। फाइव 18 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या आ गया, 3। सेकेंड नंबर क्या हो गया, 5। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 30। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। और यहाँ पे फैक्टर किस किस नंबर के बढ़ गए, 3, 5 और 30। हमारे ये आंसर होगा, ऐसे हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमें क्या नंबर दिखा है, 31। अब सबसे छोटा फैक्टर ऑड नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। हमने 3 लिया, 3 31 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 28। अब 28 ये ऑड नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। अब हम इस जो नंबर 28 आया इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।